सब्सक्राइब कीजिए अनिस हेल्थ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाए हेल्थ से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लैटिनजा टैबलेट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह इसमें ज़रूर ले लेनी चाहिए। बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन आप ना परचेज़ करें ना ही उसको इस्तेमाल करें। दोस्तों प्लैटिनजा की अगर बात की जाए तो प्लैटिनजा हिमालय का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। हिमालय कंपनी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी है। इसके जो दोस्तों इसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो प्लैटिनजा जो है तो 10 गोलियां का अगर बात की जाए तो ये 60 रुपये के अंदर आती है, और 20 गोलियां जो 20 गोली की स्ट्रिप आती है तो ये 140 या 190 के ऊपर ये प्राइस स्ट्रिप आ सकती है। तो दोस्तों ये हर जगह पर अलग 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 प्राइस में मिलती है, ये बात याद रखें। अब बात करेंगे प्राइस की हो चुकी है तो इसके फ़ायदे यानी कि क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में। दोस्तों तीन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना ज़रूरी है। फीवर, कौन सा फीवर? डेंगू फीवर के अंदर। वायरल प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होने के वजह से यानी कि प्लेटलेट काउंट कम हो जा रहा है उसके लिए। तीसरा WBC काउंट अगर आपका कम हो रहा है तो इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये तीनों भी चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होती है जिस्म के लिए, और तीनों का कम हो जाना इसका मतलब ये होता है, या वायरल फीवर हो जाना इसका मतलब ये होता है कि आप डेंजर जोन में हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। सबसे पहले आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, कोई भी चीज़ आप डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। और ये जो प्लेटलेट के लिए आप बढ़ाने के लिए दे रहा है डॉक्टर तो इसको टाइम टू टाइम इस्तेमाल करें। दूसरा यहाँ पर WBC काउंट की बात करें तो WBC काउंट लिमिटेड काउंट अगर अभी है तो उसको इसमें इस्तेमाल करें तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आपको बता दूं कि वायरल फीवर जो भी अननोन कॉज का फीवर होता है उसको भी ये ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है। दोस्तों शेड्यूल की बात की जाए तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में आता है, और इससे बेहतरीन प्रोडक्ट भी कोई ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे हमने प्लेटलेट काउंट बढ़ाने वाली मेडिसिन के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट दोस्तों आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके दोस्तों हम अब बात करेंगे, ये तो प्राइस की बात हो गई, इफ़ेक्ट यानी कि किस लिए इसको इस्तेमाल किया था उसके बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है तो ये सोचते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कोई भी मिसमैच मेडिसिन अगर खा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको होंगे, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे फिर एलोपैथिक हो। तो दोस्तों ये आयुर्वेदिक है लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और साइड इफ़ेक्ट में अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए होता है, तो इतना इस्तेमाल ओवरडोज अगर कभी हो जाए तो ये प्लेटलेट काउंट ओवर कर देता है, तो भी आपको उसको फिर से ट्रीटमेंट करके इसको कम करना होगा नॉर्मल लेवल पर। WBC की अगर बात की जाए तो WBC काउंट भी अगर बढ़ जाए बहुत ज़्यादा तो ये भी आपको ट्रीटमेंट करके कम करना होता है। तो ये बात, ये दो साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत डेंजर हैं। इसी के साथ साथ एक साइड इफ़ेक्ट जो लेकर ये आती है ओवरडोज होने की वजह से, वो ये है कि आप कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ओवरडोज होता है तो उसके लूज मोशन का आपको शिकार वो कर देती है, तो आपको संडास लूज मोशन वो स्टार्ट कर देंगे यानी कि संडास आपको ज़्यादा होंगे, और इसी के साथ साथ जो है डिजीनेस यानी कि डिसकम्फर्ट बॉडी के अंदर फील होगा, वीकनेस ज़्यादा आ जाएगी। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में इतना ही, अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।